की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के कोडरमा में जनसभा की। सीएम योगी ने जेएमएम पर निशाना साधा, आलमगीर आलम पर निशाना साधा है। पहले औरंगजेब ने देश को लूटा, अब जेएमएम के मंत्री देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जेएमएम के मंत्री के घर से मिली नोटों की गड्डी, तो लूट का घटिया स्तर देखा नहीं जा सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर आप ये देखेंगे कि और भी ऐसे कई मामले सामने आएंगे और फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल आज झारखंड के कोडरमा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और प्रचार प्रसार करने के लिए जब उतरे तो फिर यहाँ से भी कहीं ना कहीं चुनौतियां तो दी उन्होंने विपक्षी दलों को, लेकिन दूसरी तरफ निशाना साधने का काम भी किया। ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले प्रचार प्रसार का शोर लगातार सुनाई दे रहा है, और इसी शोर के बीच हमने जनसभा सुनी सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच ये कहा कि जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश जेएमएम कर रही है, इसका सीधे तौर पर जनता ही जवाब देगी। और झारखंड में आज गरजते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ, तो जेएमएम पर निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डी, यहाँ के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां, उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। आलमगीर आलम थे और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज जेएमएम पर निशाना साधते हुए नजर आए। पहले औरंगजेब ने देश को लूटा और उसके बाद अब आलमगीर का ये जमाना है जो कि देश को लूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेएमएम के नेताओं के घर से नोटों की गड्डियां बरामद हो रही है, जेएमएम के कई नेताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं, ऐसे में ये योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक झारखंड की स्थिति नहीं सुधर सकती। राजीव मोहन इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, समझना ये चाहेंगे कि जिस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है और कोडरमा में वो गरजते हुए सुनाई दिए, लेकिन क्या वाकई चुनौतियां झामुमो की इस बार बढ़ने वाली है, या फिर बीजेपी अभी भी थोड़ी सी डगमगाई हुई स्थिति में बनी हुई है झारखंड में? देखिए, जहां तक बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ की है, तो वो एक भाजपा के पायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। वो जब भी मंच पे होते हैं तो उनके जो अंदाज होते हैं, उनके जो आवाज होते हैं, उनके जो बयान होते हैं, उसकी लगा हमेशा चर्चा होती रही है। और इस बार भी उन्होंने झारखंड में आकर जिस प्रकार से अपने तेवर दिखाए हैं, अपने तल्ख अंदाज दिखाए हैं, जिसके लिए वो खास तौर पर जाने जाते हैं। अब रही बात की जेएमएम पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और आलमगीर आलम का नाम लिया, औरंगजेब का नाम लिया, तो इससे एक नई तरह की सियासत शुरू होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने तुलना की है कि औरंगजेब ने जिस प्रकार से लूटा था देश को, उसी प्रकार जेएमएम के नेता लूट रहे हैं, और जब तक ये लोग सत्ता में होंगे तो झारखंड का विकास नहीं होगा। तो इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर जो जेएमएम के नेता हैं पलटवार करेंगे, इसकी संभावना प्रबल है। और उन्होंने साफ कह दिया कि जो झारखंड में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, यानी जेएमएम की सरकार नहीं जाती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तब तक यहाँ विकास संभव नहीं है। और उनका दावा है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो झारखंड में विकास के रास्ते जो है खुलेंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे। लेकिन देखिए, अब जहां तक बात है कि आपने पूछा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, क्या भाजपा डगमगा रही है, जेएमएम मजबूत है,
ये तो अभी से कुछ स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से झारखंड में माहौल बना हुआ है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है और हर सीट पे लड़ाई है और हर सीट पे जो है दोनों पार्टियों दोनों गठबंधन के साथ जो है कह सकते हैं कि चुनौतियां हैं और बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरफ जेएमएम को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, सरकार बचानी है आगे सरकार चलाने के लिए, तो दूसरी तरफ भाजपा ने जो दावा किया है झारखंड में आकर विकास का या जनता उनके साथ है, इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा कि आखिर भाजपा ने जो तैयारी किए हैं, भाजपा ने जो एक अपनी रणनीति बनाई है और उसमें बड़े बड़े जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं उन लोगों ने रणनीति बनाई, उसी हिसाब से घोषणा पत्र बनाया गया है, अगर इसमें जिसकी भी जीत होगी कह सकते हैं कि अगर इसमें भाजपा की हार होती है कहीं से तो इनके लिए बड़ी हार कही जाएगी, और सीधा और उसी तरह अगर हेमंत सोरेन की वहां पे हार होती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं बनती है तो उनकी भी बड़ी हार होगी, लेकिन अभी से ये कहना कि किसकी जीत हो रही है ये थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है और सभी जगह लड़ाई है, और यही कारण है कि दोनों तरफ से तल्खी अंदाज में बात किया जा रहा है, जैसा कि आदित्य योगीनाथ ने हमला किया है यहाँ झारखंड पहुंचकर। जी ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस संबोधन के दौरान ये भी जो गौर करने वाली बात थी कि उन्होंने जिस तरह ये कहा कि जेएमएम के नेताओं के घरों से नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो अभी आपको और भी ऐसे खबरें सुनने और देखने को मिलेंगी, ये इशारा कहीं ना कहीं जो नोटों की गड्डी का था ये कनेक्शन क्या इसी तर्ज पर था कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी हम देखते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं पर किस तरह से गाज गिरती है, रेड होती है और उसके बाद से वाकई नोटों की गड्डियां जब निकलती है तो कई ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये देखिए कि पिछले सरकारों ने कितना ज्यादा आपको लूटा है, ये एक पैमाना तय कर दिया जाता है कि किस सरकार ने कितना लूटा है, और साथ ही अब तक की जनता जो अपना समर्थन दे रही थी वो आगे आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से जनता का वोट बढ़ जाए। आप देखिए जो आलमगीर आलम जो थे वो मंत्री थे वहां, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वहां ईडी ने जो छापेमारी की थी तो उनके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। अब एक ये उदाहरण है और उदाहरण के साथ आदित्य योगीनाथ ने जो बातें कही हैं उन्होंने एक उदाहरण रखा है और इस उदाहरण के आधार पर उनका कहना है कि जिस प्रकार से आलमगीर आलम के घर में नोटों की गड्डियां बरामद हुई, अगर आगे सरकार बनती है एनडीए की तो और भी जो मंत्री हैं उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके घर भी छापेमारी होगी और उनके घर से नोटों की गड्डियां बरामद होगी या भ्रष्टाचार का मामला उजागर होगा। लेकिन ये देखिए ये पॉलिटिकल बयान है, उन्होंने एक आलमगीर आलम को टारगेट करते हुए पूरे जेएमएम को फोकस किया और उस पर टारगेट किया, तो ये अब आगे क्या होगा, क्या सारे मंत्री भ्रष्ट हैं नहीं है।